तो हेलो गेमर, वेलकम टू माइनक्राफ्ट न्यू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो माइनक्राफ्ट को ब्लूस्टिक के अंदर कैसे कीबोर्ड एंड माउस के साथ फुल्ली कंट्रोल एंड इजी तरीके से प्ले कर सकते हो। ब्लूस्टिक या एमुलेटर में जो की मैपिंग की या माउस की जो प्रॉब्लम थी उसे भी कैसे सॉल्व करे वो इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो गाइस, यह ब्लूस्टिक एंड ब्लूस्टिक के अंदर मैंने माइनक्राफ्ट इंस्टॉल करके ओपन भी कर लिया है। एंड ये जो एरो आप देख रहे हो, ये एरो आइकन आपकी ब्लूस्टिक की माइनक्राफ्ट में नहीं आ रहा है, तो आप ब्लूस्टिक को क्लोज करके फिर से स्टार्ट करके माइनक्राफ्ट को ओपन करोगे, आई थिंक ये एरो की आइकन आ जाएगा। पहले मेरा भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर कीबोर्ड एंड माउस की फुल कंट्रोल के लिए माइनक्राफ्ट में, तो यहाँ पर सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद कीबोर्ड एंड माउस में आने के बाद फुली कीबोर्ड गेम प्ले। तो फुली कीबोर्ड गेम प्ले के बाद थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसके हिसाब से आप की मैपिंग, मतलब आपकी कीबोर्ड की जो की मैपिंग है वो कर सकते हो विदाउट एनी एप्लीकेशन। ये एमुलेटर है, इसमें गेम कंट्रोलर से की मैपिंग कर सकते हो, बट आप फोन में यूज कर रहे हो तो बिना कंट्रोलर की भी माइनक्राफ्ट में की मैपिंग कर सकते हो। तो थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अटैक एंड डिस्ट्रॉय है। अटैक एंड डिस्ट्रॉयर में ऐसे बटन 2 जो माउस की राइट साइड है उसे क्लिक कर देना, एंड यूज एंड प्लेस आइटम में लेफ्ट साइड माउस की लेफ्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री यहाँ पर ई सिलेक्ट कर लेना, एंड आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना कौन सी आपके हिसाब से बेटर है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट की मैपिंग हो चुकी है। आपकी ज्यादा की मैपिंग चाहिए तो यहाँ पर की मैपिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गेम को प्ले करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, एंड आप देख सकते हो ये जो एरो है वो जिधर भी ले जाओगे आपकी जो व्यू है उधर उधर जाएगा। पहले क्या होता थी, कोई एक बटन क्लिक करके रखना पड़ता था, उसके बाद आपकी जो व्यू मूवमेंट है वो हो सकती थी, बट यहाँ पर माइनक्राफ्ट में ये फिक्स कर दिया है। आप कोई भी बटन यूज किए बिना आप माउस को जिधर भी हिलाओगे वो उस तरफ आपकी जो व्यू है वो आएगा। बट आप फोन में ये तो इजी तरीके से यूज कर सकते हो, बट ये एमुलेटर में या पीसी में आप इजी तरीके से यूज नहीं कर सकते। आप देख सकते हो इस साइड में जब एरो चला जाता है तो आपकी जो व्यू है वो अटक जाती है। ये जो प्रॉब्लम है इसकी सॉल्यूशन है, आप सिंपली इन्वेंट्री ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पर एरो को मिडिल में ले आना, उसके बाद आप देख सकते हो फिर से ले जाओगे एंड एरो एकदम स्क्रीन के साइड में चला जाएगा, एंड फिर से आप इस साइड से इस तरीके से आपकी जो व्यू है वो 90 डिग्री कर सकते हो। सिंपली एरो जब आप डिस्प्ले की बाहर चले जाए तो आप तो यहाँ पर सिंपली ऐसे इन्वेंट्री को ओपन कर लेना एंड कर्सर को ऐसे मिडिल में ले आना, उसके बाद आपकी जो व्यू पॉइंट है वो आप चारों तरफ देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो W से आपकी जो प्लेयर है वो आगे जाएगा, S से पीछे आएगा, D से इस साइड जाएगा एंड A से इस साइड जाएगा। तो यहाँ पर कीबोर्ड की जो की मैपिंग है वो ऑलमोस्ट तो हमने कुछ भी नहीं किया था, वो इनबिल्ट था माइनक्राफ्ट की। हमने बस माउस की जो की मैपिंग है उसे चेंज किया है, जैसे राइट प्लेस करके इस ब्लॉक को ऐसे कलेक्ट कर लेना, एंड माउस की स्क्रॉल आइकन आप देख सकते हो, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे इन्वेंट्री में आप देख सकते हो ऐसे स्क्रॉल होगा, एंड इस साइड से राइट प्लेस करके आप प्लेस कर सकते हो एंड राइट क्लिक करके इसे ऐसे तोड़ सकते हो जैसे माइनक्राफ्ट में होता है। एंड जिन्होंने माइनक्राफ्ट पीसी में खेल चुके हैं उन एकदम सेम की मैपिंग ये है। तो गाइस, आपकी जो माइनक्राफ्ट है वो बहुत ही लैग कर रहा है, तो आप सिंपली कीबोर्ड में ESC प्रेस करना, उसके बाद सेटिंग, तो पर गेम में आना, एंड गेम में आने के बाद एंड थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करना, एंड ये देख सकते हो इमीडिएट रिस्पॉन्स ये ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर देना। उसके बाद यहाँ पर वीडियो में आना, वीडियो में आने के बाद यहाँ पर FOV 60 कर देना, यहाँ पर जो व्यू बॉबिंग इसे ऑन रहेगा इसे ऑफ कर देना, और यहाँ पर ब्यूटीफुल स्टिक इसे भी ऑफ कर देना, लैगिंग है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो कीबोर्ड से आप आगे पीछे मूवमेंट कर सकोगे, एंड आपकी जो माउस से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई भी ब्लॉक वगैरह कलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, एंड लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्लेस भी हो जाएगा, एंड माउस की जो कर्सर है यहाँ पर आके रुक चुका है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री ओपन करने के बाद फिर से इन्वेंट्री ऑफ कर देना एंड आपकी जो कर्सर है वो आपके मिडिल में आ जाएगा। आई थिंक आपकी हेल्प हो चुकी है इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक कमेंट कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।